ट्रेन में पानी नकली है। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेनों के भीतर अवैध वेंडिंग, डुप्लीकेट सामान बेचने का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ दुर्ग और बिलासपुर के मध्य एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों में नकली रेल नीर की बोतल यात्रियों को बेची जा रही है, जिसकी जानकारी ज्यादातर यात्रियों को भी नहीं होती है। ट्रेनों में कुछ अवैध वेंडर रेल नीर की नकली बोतलें तैयार करते हैं और उसको बेच रहे हैं, जिसमें नाम तो रेल नीर ही लिखा है लेकिन इसकी बनावट ओरिजिनल से बिल्कुल अलग है। यात्रियों को इसे 15 रुपए की जगह 20 रुपए में बेचा जाता है। अवैध वसूली की जा रही है। हरी भूमि INS 24/7 ने सोमवार को ट्रेनों में बिकने जा रहे रेल नीर की बोतलों की पड़ताल की, जिसमें बिना आईडी कार्ड के बोतल बेचने वाले एक वेंडर के पास बिना हॉलमार्क की रेल नीर की बोतलें मिली हैं, जो पूरी तरह से डुप्लीकेट लगी। बोतल में लाइसेंस नंबर भी जो उनका नहीं था। गर्मी बढ़ने से ट्रेनों में पानी बोतल की मांग काफी बढ़ गई है और ऐसे में कई अवैध वेंडर सक्रिय हो चुके हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन पर एक्वाफिना जैसी कंपनियों की बोतलें नजर आ रही हैं। इसे भी 20 रुपए में ही बेचा जाता है। वहीं रेल नीर 15 रुपए में बेचना है, फिर चाहे वो स्टेशन हो या फिर ट्रेन के भीतर। 15 रुपए में पानी बेचने पर भी पेंट्री कार संचालक को 3 से 5 रुपए बच जाते हैं, लेकिन कई वेंडर चिल्लर नहीं होने का बहाना बनाते हैं, 20 रुपए में पानी बोतल बेचकर मनमानी कर रहे हैं। इस मामले में रायपुर रेल मंडल के DRM संजीव कुमार ने कहा कि ऐसी शिकायतें पहले आई हैं। अगर ट्रेनों में डुप्लीकेट रेल नीर की बोतल बेची जा रही है तो इसकी जांच होगी। RPF को निर्देश दे दिया गया है कि ट्रेनों में पानी की बोतल और वेंडर की जांच करें। डुप्लीकेट पानी बोतल बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेनों के भीतर इस तरह से अवैध वेंडिंग और डुप्लीकेट सामान बेचने का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, चाहे वो दुर्ग हो, बिलासपुर हो, मध्य एक्सप्रेस, लोकल ट्रेनों की बात हो, तो डुप्लीकेट रेल नीर की बोतल यात्रियों को बेची जा रही है। इसकी जानकारी यात्रियों को भी नहीं होती, क्योंकि कई बार उन्हें जरूरत होती है और वो रेल नीर का नाम देखकर तुरंत उसे खरीद भी लेते हैं। तो रेलवे स्टेशन में जो रेल नीर की बोतल यात्रियों को दी जा रही है, वो ट्रेनों में बेचे जा रहे बोतल से काफी अलग दिखती है। रेल नीर की एक लीटर पानी की बोतल के अगर हम दाम की बात करें तो 15 रुपए और आधा लीटर महज 10 रुपए निर्धारित हैं, जबकि वेंडर यात्रियों को एक लीटर से अधिक और आधे लीटर से कम पानी की बोतल जो है वो बेचते हैं। और इसका निर्माण IRCTC करता ही नहीं है, यानी नकली बोतल की बनावट और आकार एकदम अलग है। ललित राठौर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, जिस तरह से बात करें, ट्रेनों में पानी की नकली बोतल लगातार मिल रही है, DRM ये भी कह रहे हैं कि शिकायत हमें पहले भी मिल चुकी है, उसके बाद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैडम, इसमें कार्रवाई के बाद DRM जरूरी है, लेकिन लगातार ट्रेनों में अवैध वेंडिंग की शिकायत बढ़ गई है, क्योंकि जो ISTC निर्माण करता है बोतल की, ये बोतल इनसे भिन्न नहीं, क्योंकि इसमें होल मार्किंग नहीं होती है नकली में, इनकी बनावट जो है बिल्कुल अलग है। ये केवल स्टिकर को हम निकाल कर इनमें डुप्लीकेट लगा देते हैं, इससे यात्री को लगता भी नहीं कि ये नकली की असली है। इसकी पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसमें होल मार्किंग होती है ICTC की, उसको देख के आदमी की पहचान कर सकता है। लेकिन अगर जिस तरह से बात करें रेलवे स्टेशन में देखा जाए तो रेल नीर की ही बोतल मिलना है जरूरी है, लेकिन उसके अलावा भी जो दूसरी ब्रांड की बोतल्स हैं वो भी मिलती हैं, इस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई कि आखिरकार ये वहां तक कैसे पहुंच जाती है, क्योंकि इन पर मुनाफा भी वेंडर्स को काफी मिलता है। मैम, ये पूरा कार्यक्रम, ये जो पूरा घटना है, ये अवैध वेंडिंग की घटना है। ये एक तरह से जो अवैध वेंडिंग के जरिए यहाँ पे ट्रेनों में पहुंचता ही है, रायपुर के और दुर्ग के बिलासपुर के मध्य ये सब चीजें यात्री उन पहुंचती है बोतल ट्रेनों में। ये जी ललित जी, आपकी बात हुई और क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कार्रवाई होगी, क्योंकि पहले तो मामला बहुत पहले शिकायत हो चुकी है लेकिन होता कुछ नहीं है, सब कुछ मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। मैडम, RTF को उसमें जिम्मेदारी दी गई है DRM सर ने, उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर कहा है कि रेलवे की जो ट्रेनें जो होती है इसमें RTF जांच करेगी इसकी, कि जो पोर्टल है उसमें होल मार्किंग है कि नहीं है इसमें, और इसकी जो बनावट की भी विशेष अब ध्यान रखा जाएगा इसमें। इसके अलावा ISTC जो एरिया मैनेजर हैं इनको भी निर्देश दिए गए हैं अभी कि लगातार ये ट्रेनों में जांच करें और नकली बोतलें कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई तो होगी, लेकिन अब यात्रियों को अगर पहचान करना हो तो यात्रियों को ही हम जागरूक कर सकते हैं कि वो दोनों में अंतर किस तरह से निकाल पाएंगे। उसमें अंतर ये है मैम कि आप जब यात्री खरीदता है बोतल को, उसमें होल मार्किंग होती है, होल मार्किंग में ISTC का उल्लेख होता है
यात्री उसको देख सकता है। पहली बात, अगर इसमें हॉल मार्क नहीं है उसको उस बॉटल को ना खरीदे। इसके अलावा बोतल के ऊपर में एसटीसी के लिफाफा होता है, इसमें एक चिन्ह उनका बना होता है उनका, इससे साफ चलता है कि ये बोतल जो है इसका निर्माण आईएसबीसी ने किया है। नकली बोतल में क्या होता है कि इसमें हॉल मार्किंग नहीं होती है और इसकी बनावट जो है इनकी रेलिंग बनावट से अलग है। ये इसकी स्टिकर चिपकाए जाते हैं बोतलों में, अगर स्टिकर कहीं निकला हुआ दिखाई देता है या फिर लगता है कि ये बोतल इसकी है ही नहीं, आमतौर पर ऐसे चीजों को यात्री जी। तो आईनेस 24/7 आप सभी से अपील करता है कि इस तरह से आप नकली और असली में अंतर जरूर पहचाने, और जब भी आपके पास कोई इस तरह से बोतल लेकर पहुंचता है तो उस पर संज्ञान जरूर ले। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जानकारी देने के लिए। तो हॉलमार्क गायब है और कीमत भी ज्यादा है, और अब देखना होगा। हालांकि डीआरएम ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी और पहले भी इस तरह से शिकायत मिल चुकी है, आने वाले समय में रेल नीर में किस तरह से परिवर्तन होता है, क्या वाकई में इस पर सख्त कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी।